नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड में आज मैं आपको फिर एक नई पैटर्न में ब्रा की कटिंग और सिलाई बता रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी स्टेप्स बहुत ईजी होगी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रिंटेड कॉटन के कपड़े से ब्रा बनाना बता रही हूँ। आज के हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने घर पे, क्योंकि बहुत ही कम यानी कि सेंटीमीटर में हम देखते हैं तो 20 से 30 सेंटीमीटर तक के कपड़े में आप ब्रा आसानी से बना सकते हो कॉटन के फैब्रिक से। और मैं जो आपको टिप्स बताऊँगी बिल्कुल भी सरल कि कोई भी उसको बना सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 36 साइज के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स है 36 साइज के लिए। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देखिए कि आपको पहले इसका पैटर्न कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 और बहुत ही खूबसूरत होगी, जिससे कि आप बना करके आपको भी अच्छा महसूस होगा। और इस तरफ से भी 9, तो दोनों तरफ से मैंने 9 इंच का लिया है। देखिए ऊपर का पैटर्न कटिंग करें, आज मैं एक ही जो फैब्रिक में आपको दोनों जो ये कागज़ है इसमें दोनों पैटर्न कटिंग करना बताऊंगी। तो ऊपर के लिए हम 5 इंच छोड़ देंगे, नीचे के लिए हम 4 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक पॉइंट लगा देते हैं, दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 5 इंच के लिए हम ऊपर का पार्ट्स कटिंग करेंगे ब्रा का, और 4 इंच में हम नीचे का पार्ट्स कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम एक सेंटर की लाइन बना देते हैं। तो लीजिए दोस्तों लाइन तैयार है। अब आपको मैं यहाँ पे लिख करके भी बता देती हूँ, ये 5 इंच ऊपर वाला और जो नीचे वाला पार्ट है वो 4 इंच में, टोटल हो गया 9 इंच का ये पूरा, ठीक है। अब आपको देखिए पहले ऊपर वाले पार्ट्स की कटिंग करनी है, उसके लिए हमें यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक पॉइंट लगाना है। ये मान लीजिए 1.5 इंच हो गया है, तो इसको मैं आपको पहले मेजरमेंट से बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे बताऊँगी तो सबके समझ में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर है, ये हो गया 1.5 इंच का पॉइंट। इससे थोड़ा सा नीचे और एक पॉइंट मैंने लगा दिया है, एक 1.5 इंच पे और एक 1.25 इंच पे, ठीक है। इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, और नीचे यहाँ पे हम 0.5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। इस तरफ तो हमने 1/4 इंच पे लगाया है नीचे, इस तरफ हमने 0.5 इंच पे लगाया नीचे, ठीक है। तो ये 1 इंच का स्पेस होता है, टोटल ये 1.5 इंच का है। अब आपने ये समझ लिया। इससे पहले हम इसका जो मिडिल है वो कर लेते हैं। तो इसको ऐसे डबल करेंगे, डबल करके एक घड़ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका मिडिल पॉइंट, ठीक है। इस तरफ तो मैं नेक की ड्रॉ करूंगी, और इस तरफ जो हमारी आर्म होल यानी बगल होती है उसकी मैं ड्रॉ करूंगी। तो ये है नेक साइड, ये है नेक साइड, और ये है आर्म होल साइड, ठीक है। अब आपको जो नेक साइड है वहाँ पे आपको 0.5 इंच इस तरफ पे एक पॉइंट लगा देना है, और यहाँ पे आपको ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इस पर आपको नेक की ड्रॉ करनी है। देखो कैसे, एकदम इजी तरीका बताऊंगी कि कोई भी कर सकेगा। तो देखो इस तरह से सीधी पहले एक लाइन खींच दीजिए, मिला दीजिए इसमें, ठीक इसी तरह से आपको आर्मोल की भी ऐसे लाइन खींच देनी है। अब आपको गोलाई कैसे मिला दी है वो आपकी इच्छा पर है कि आप किस तरह की गोलाई चाहते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे आपको नेक की गोलाई लगा करके बताती हूँ कि मुझे नेक की गोलाई कैसे चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको अंडर की ओर ले जाती हुई, इस तरह से मुझे नेक की गोलाई चाहिए वी आकार में। तो ये हो गई हमारी नेक की गोलाई। अब जो आर्मोल की गोलाई है, बगल की जो गोलाई है, वो इस तरह से हम लगा देते हैं, फ्री हैंड से ही इसको हम लगाएंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से लगा देते हैं। ये दोनों हमारी गोलाई हो गई है। इसको मैं थोड़ा आपको डार्क करके दिखाऊं ताकि आपको देखने में समझ में आ जाए, क्योंकि पहले किसी भी साइज़ के लिए पैटर्न कटिंग करें। पैटर्न को आप सील करके भी देख सकते हैं, जो कागज़ होता है उस पर आप जो पिंस लगा करके भी उसकी स्टिचिंग कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और ये इसका सेंटर पॉइंट आप देख रहे हो, सेंटर की लाइन ये वाली, ये देखिए मैंने ऊपर तक किया। इस सेंटर पॉइंट में आपने जो नीचे वाला पॉइंट लगाया ना उसको मिलाना है। तो देखिए इस तरह से हम चलेंगे और इस सेंटर पॉइंट में मिला देंगे, फिर इस सेंटर पॉइंट में चलेंगे और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसमें मिला देंगे। तो देखिए इस तरफ से चलेंगे और इस नीचे वाले पॉइंट में हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो हमने लाइन की इसको पहले डार्क करेंगे, फिर मैं आपको नाप करके बताऊंगी कि नाप करके हमें कितना लेना है। और ये बना रहे हैं हम 9 इंच का लिया है, तो कितने आप समझ गए होंगे कि मैं कितने साइज़ की ब्रा बना रही हूँ। तो मैं बताऊँ इससे पहले आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं कितने साइज़ की ब्रा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 36 साइज़ के लिए। तो ये हो गया है पूरा ड्रॉ। अब आपको ऊपर के पैटर्न को पूरा, ये जो लाइन है इसको नाप लेना है कि 9 इंच का ही है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से लेंगे इंची टेप, इंची टेप को आपको यहाँ मिडिल से देखना है, 4.5 पे एक पॉइंट लगाना है। ये हो गया यहाँ पे 4.5, एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। यहाँ से भी आपको 4.5 पे एक पॉइंट लगाना है, और जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से थोड़ा हल्का सा तिरछा ऊपर की तरफ कट कर देंगे। इसको भी हल्का सा तिरछा ले लेंगे, नीचे से देखो थोड़ा सा कम है, ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा, ये तिरछा हो गया, हल्का सा तिरछा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ऊपर का पैटर्न बिल्कुल तैयार है, बाद में कटिंग करेंगे हम, पहले नीचे का पैटर्न भी ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे के पैटर्न में लिए देखिए, ये हमारे पैटर्न की टोटल जो है लेंथ हो गई है। अब लेंथ होने के बाद ये मिडिल सेंटर है, यहाँ पर हम इसके लिए यहाँ पर हम आएंगे नीचे। अब कितना नीचे आना है देखिए, यहाँ पे सिर्फ 1 इंच छोड़ करके आपको 3 इंच नीचे आना है, और इस तरफ में आपको बिल्कुल 1/4 इंच छोड़ के आना है। तो अब ये दोनों पॉइंट है, आपको इनको इस तरह से मिलाना है इस सेंटर में, इसमें ऊपर वाले सेंटर में, ये हो गया है। फिर आपको इसको इस तरह से लेते हुए, क्योंकि इसको आपको एकदम नीचे तक ही आना है, ठीक है। अब ये जो साइड है ना,
इसको आपको ये सेंटर है, यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है, क्योंकि मुझे ये इस तरह से चाहिए, यहाँ से बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये जो आप साइड है उसको आप रख सकते हो, ठीक है। इस साइड में हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये साइड में हमारी जो बैक साइड की पट्टी होगी ना वो जॉइंट होगी, पीछे की हुक पट्टी आई पट्टी आप समझ गए होंगे वो जॉइंट होगी। अब ये जो गोलाई हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, फिर से इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं और जांच करते हैं इसकी कि ये भी हमें 9 इंच चाहिए, कितना चाहिए। यहाँ से इस गोलाई को आप इस तरह से जांच लीजिए, जहाँ पे आपको 4.5 का पॉइंट आता है वहाँ पे आप इसको खत्म कर दीजिए, यानी ये पॉइंट लगा दीजिए। फिर इस तरह से हम इस तरफ भी लेंगे, सेंटर पे ये रखेंगे इसको इंची टेप को, फिर ये सेंटर का पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है। इस तरह से हमें इसको भी पॉइंट लगाना है, तो इस तरह से आप इसको नीचे कर दीजिए, और इस तरह से मैं भी इसको भी नीचे कर देती हूँ। और अब मुझे ये जो पॉइंट है ना ये इसमें मिलाना है, ना कि यहाँ पे मिलाना है, क्योंकि मुझे इतनी इसकी लेंथ रखनी है, तो मुझे पॉइंट को भी यहाँ पे मिला देना है। तो अब आप गोलाई देख सकते हो इसकी कि मैंने कैसे इसकी गोलाई रखी है, और आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है, ये लीजिए, ठीक है, 1/2 इंच इस तरफ से कम किया है। और इस तरफ में तो हमें ये सेंटर ही चाहिए, ये वाला सेंटर। ऊपर के पार्ट्स की कटिंग करेंगे, नीचे के पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे, ये है 36 साइज के लिए। तो साथ में आप इसकी कटिंग भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। आप नहीं देखेंगे तो आप फिर कटिंग कैसे करेंगे कि भाई कैसे कटिंग करना है इसको, कैसे कैसे हमें काटना है, वो तो आपने हमें दिखाया ही नहीं। क्योंकि काफ़ी जो लड़कियां जुड़ी हुई है वो है बिगनर्स, यानी जो सीखने वाली हैं, जो स्टार्टिंग कर रही है, तो उनको थोड़ा समझाना खुल करके बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो समझ में भी नहीं आता है। तो उसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो, और ये जो एक्स्ट्रा इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए और कट कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया नीचे का पार्ट्स। इसी तरह से जैसे देखो बिल्कुल ऊपर में किया हुआ है, ऊपर वाले पार्ट्स को भी बिल्कुल बराबर में ही हमें कट करना है, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया, ये जो पॉइंट लगा है इसको ऐसे ही कट कर दिया। अब ये नेक लाइन को निकाल देंगे, और अब ये जो हमारी आर्म होल है वो उसको भी हम निकाल देंगे, ये हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा इसका थोड़ा सा पार्ट्स उसको भी निकाल देंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स कटिंग हो गए, ये नीचे का ये ऊपर का, ठीक है। दोनों को पहले कपड़े पे कटिंग करेंगे, जॉइंट करेंगे, ये वाली सिलाई लगा करेंगे बीच वाली, उसके बाद में आपको इसके जो नीचे जॉइंट होने वाली पट्टी वो बताऊंगी, जो कि बैक साइड तक की, और इसके ऊपर जो ये हम डस्ट लगाएंगे, देखिए इस तरह की मैंने तैयार पहले ही कर लिया है, तो ये तो कोई भी तैयार कर सकता है, इसको मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। और ये जो पार्ट्स है मेन अहम यही है, और इसके नीचे जॉइंट करने वाली पट्टी है। तो ये दोनों पार्ट्स पहले कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं, फिर नीचे जॉइंट करने वाली पट्टी। तो ये है हमारे ऊपर वाले दो पार्ट्स, और ये है हमारे नीचे वाले दो पार्ट्स, डबल डबल है। इसके ऊपर रख करके मैंने इनको कट कर लिया था। अब आप देख सकते हो कि कितना इजी होता है अपने घर के सैकड़ों रुपए बचाना, और उसके लिए बस कुछ भी नहीं करना है, ना ज़्यादा कपड़ा लगता है, ना ज़्यादा टेंशन, ना ज़्यादा झंझट, बिल्कुल सिंपल से। देखिए इस पार्ट्स को इस तरफ रख देंगे, दोनों को आमने सामने रख देंगे, तो दोनों के जो पार्ट्स हैं वो अपने अपने पार्ट्स हो जाएंगे, दोनों दाएं बाएं साइड की दोनों पार्ट्स हो गए तैयार यहाँ भी। क्योंकि मैंने आपको प्रिंटेड या कॉटन ब्रा बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी बना सकते हो, नॉर्मल कोई भी इंसान बना सकता है। साइज आपका जो भी हो ना, उस साइज के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर ले। इस मेथड से हम ही होगा जो कि मैंने बताया, वही मेथड से आप अपनी साइज के लिए 34, 36, 38, 42, इसी मेथड से, जैसे मैंने 9 का लिया था वैसे आपको 10 का लेना है, 8.5 का लेना है, 8 का लेना है, 11 का लेना, इस तरह से लेकर के आप दोनों पार्ट्स की कटिंग कर सकते हैं। पहले पैटर्न कटिंग करें, फिर एक रफ कपड़े पे उस पैटर्न को कटिंग करके सील करके देख लें कि हाँ ये जो साइज आपने कटिंग किया है वो कैसा है। अब देखिए ये जो पैटर्न मैंने कटिंग किया है, मुझे इसको सीलना है, तो सबसे पहले देखिए सुलटे पे सुलटा रखेंगे, यहाँ पे उल्टा है, इस तरफ से ये सीधा हो गया, सीधे पे हम सीधे को रखेंगे, और ये जो आगे की साइड है उसको आगे रखेंगे, और बिग जो गले की साइड को गले की साइड में रखेंगे। इसमें इस तरफ गले की साइड है और ये वाली गले की साइड है, तो इसमें इस तरफ है, ये हमारा गला है और ये हमारी जो है बगल है, क्योंकि ये बगल में हमने इतना रखा था ना 1/2 इंच, और गले में हमने थोड़ा कम रखा था, 1/4 इंच रखा था, इसलिए। तो इसको इसके ऊपर बिल्कुल बराबर में रखेंगे, और रख सकते हो मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। और सिलाई लगाने के बाद, ये ऑन करने के बाद आपका जो ब्रा का पैटर्न है वो इस तरह का होगा, इस तरह से आप देखिए इसको। इसके मैंने ऊपर वाली दो सिलाई भी लगा दी है, क्योंकि एक सिलाई लगाने के बाद अगर आप इस तरह से ऊपर की जो सिलाई लगा लेते हैं तो आपके पैटर्न का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, ठीक है। अब इसके सामने वाला जो दूसरा वाला है वो भी मैंने ऐसे ही तैयार कर लिया है, ये देखिए ये हमारे दोनों ब्रा के पार्ट्स तैयार हो गए हैं।
ठीक है। अब इसके जो नीचे वाली जो पट्टी होती है यहाँ पे जो हम जॉइंट करेंगे वो मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। नीचे वाली पट्टी कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से हमें इस पट्टी को रखना है, ठीक है। और इतनी नीचे की हमारी फोल्डिंग होगी या आप इलास्टिक लगाएंगे जो भी होगा, ठीक है ये। और इसके ऊपर आपको इसको इस तरह से ड्रो कर लेना है, क्योंकि इस तरह की हमें कपड़े की जो पट्टी है वो कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ड्रो कर लिया है। और ये कितने इंच के है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो पट्टी ली है वो कितने इंच के हैं। तो जो सेंटर होता है ना ये थोड़ा नीचे होता है, तो सेंटर से मैं इसको लूँगी। अब आप देख सकते हो 1.5 इंच की या आप लगभग 2 इंच तक ले सकते हैं, क्योंकि आपकी फोल्डिंग ज़्यादा हो, सिलाई में ज़्यादा दबता हो, तो आप इसको 2 इंच की रख सकते हैं। 2 इंच यहाँ पे स्पेस रहे, वहाँ पे आप इसको ऐसे रखें पैटर्न को बराबर में। देखिए ऐसे ड्रॉ कर लिया है, तो ये जो ड्रॉ किया है ना इसको गहरा करके फिर दिखाऊँगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से हमने इसको जो नीचे वाली जो जॉइंट करने वाली जो पट्टी है उसको मैंने किस तरह से इसको ड्रॉ किया है। आइए देखिए अब इसको फिर से एक बार रख करके चेक करके मैं आपको बता देती हूँ। अभी आप देख सकते हो ये इस तरह की हमने यहाँ पे इसकी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा हल्का सा इसको यहाँ पे ऊपर की ओर लेते हुए, जो सिलाई का होता है ना वो यहाँ पे लेते हुए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसकी बराबर जो मैंने पैटर्न कटिंग किया था नीचे की पट्टी के उसके बराबर में मैंने नीचे की जो पट्टी है वो कटिंग कर लिया। पट्टी को आप देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे कटिंग किया है, ठीक है ना। अब ये एक जो हमारा कप्स है वो इस तरफ आएगा, ये है इसका साइड, ठीक है। और एक जो हमारा कप्स है वो इस तरफ आएगा, ये दोनों आएंगे इस तरह से। और इससे पहले इनकी सिलाई करने से पहले, इनको जॉइंट करने से पहले, नीचे वाली पट्टी को अटैच करने से पहले हम जो इसके ऊपर की साइड है ये वाली साइड है जो, देखो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये जो साइड्स है जो नेकलाइन है ये जो आर्मोल है इसको मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। कैसे फोल्ड करना है इसको आपको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके फिर ऐसे फोल्ड करना है, या आप चाहे तो आपके पास लेस है इलास्टिक है तो वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे फोल्ड करते कर सकते हैं। तो कहाँ से करना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसको फोल्ड कर लेना है, और इसको भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको फोल्ड करना है। देखा दोस्तों मैंने ये वाली जो सिलाई है वो कर दी है इस तरफ फोल्डिंग यहाँ पर, और इस तरफ से लेकर के यहाँ तक फोल्डिंग कर दिया, और बीच से थोड़ा सा बिल्कुल आप देख सो हल्का सा इसको अटैच किया। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मैंने कितनी सिलाई लगा दी है, बस इतना सा मैंने यहाँ पे इसको सील करके अटैच कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आप इसको इस तरह से ओपन कीजिए, ये हमारी जो पैटर्न तैयार है। अब जो नीचे की हमने पट्टी तैयार की हुई है यानी कटिंग की हुई है उसको हमें नीचे जॉइंट करना है, तो ये वाली पट्टी को हम ऐसे रखेंगे, इसको ओन रखेंगे ऐसे ओन साइड पे ऐसे रख करके, और देखो इसका जो सेंटर बिंदु है यहाँ पे इसको रखेंगे, फिर इस तरफ की साइड को हमें इस तरफ जॉइंट करना है, और इस तरफ की ये जो साइड है उसको हमें इस तरह से और यहाँ तक इसको जॉइंट कर देना है। इसको आपको सेंटर पे रखना है, जो ये बीच का सेंटर है ना इसका, ये वाला यहाँ पर इसको रख करके यहाँ से मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने इस पट्टी को जॉइंट कर दिया है, और जॉइंट करके यहाँ से बीच से थोड़ा सा कट लगा दिया, जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दिया है, और कट लगाने के बाद इसको इस तरह से ओपन कर लिया है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर वाली जो ये सिलाई है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, जो नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको इस तरह से पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। लगभग आधा इंच की मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ पूरी दूर तक, नीचे नीचे पूरी दूर तक। तो देखा दोस्तों मैंने ये वाली जो सिलाई है ना इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हो जो पट्टी जॉइंट की थी डबल कर ली है, और नीचे से भी इसको आप देख सकते हो फोल्ड कर दिया है। अब जो इसकी जो थोड़ी साइड्स एक्स्ट्रा हैं उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ये मैंने इस साइड से कट कर दिया,
और ठीक इसी तरह से मैं इस साइड को भी कट कर देती हूँ। ये मैंने कट कर दिया। अब ये आगे का पैटर्न बिल्कुल तैयार है। अब जो नीचे की मैंने पट्टी ये फोल्ड की है, इसमें मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है आधा इंच का इलास्टिक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर आप डालकर बनाओगे तो आपकी ब्रा बिल्कुल कमर में इतनी सुंदर फिटिंग आएगी और इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो ये देखिए, ये इतना आता है, इसे हम 2 इंच कम कर लेते हैं और फिर इस जो इलास्टिक को वो अंदर डाल देंगे। तो मैंने इसको कट कर दिया है और जो ये मैंने अपनी होल रखा हुआ है, इसके अंदर से मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। सुई पे लगा करके भी आप इसके अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे भी मैंने इलास्टिक डाल करके इस तरफ से लॉक कर दिया है और इस तरफ से भी लॉक कर दिया है, अंदर में इलास्टिक डाल दिया है। तो अब आप देख सकते हो ये इस तरह से कमर को थोड़ा कवर कर लेता है। अब हमें बेक की पट्टी बनाने के लिए देखिए, मैंने ये लिया है एक पेपर, यहाँ से बेक की पट्टी की चौड़ाई चाहिए इतनी, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ चाहिए हमें, तैयार चाहिए वो चाहिए 7.5 इंच। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच, और इसके सिलाई का थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस तरफ से मैं लूँगी ये 1.5 इंच का, और इसका हाफ कर लेते हैं। यहाँ से इसको ऐसे डबल फोल्ड किया, सेंटर लाइन बनाई, सेंटर लाइन से थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देते हैं 1/2 इंच, और ये हो गई अपनी सेंटर लाइन। अभी सेंटर लाइन से आपको इस तरह से और इस साइड को आपको ऐसे इसके अंदर ऐसे मिला देना है। इस तरह की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। हुक और आई के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, ताकि जब हम इसको है ना इस तरह से फोल्ड कर सके, आगे से थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड हो जाए, तो यहाँ पे आप हुक और आई लगा सकते हो। तो ये पट्टी कपड़े पे कटिंग करके और फिर इसके साथ हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखा दोस्तों, मैंने दोनों साइड की जो ये पट्टियाँ हैं वो तैयार कर लिया है, नीचे से भी इसको फोल्ड कर लिया है, और आप देख सकते हो दोनों साइड से मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब एक पट्टी को हम इस तरफ से स्टिच कर देंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दूसरी पट्टी को मैं इस तरफ यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, बराबर में रख करके हम इसको ऐसे बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगा करके इस तरह से इसको फोल्ड करके ऊपर वाली जो सिलाई है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे रखना है, एक सिलाई लगानी है। साइड पट्टी अटैच करने के बाद एक साइड को आपको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे आपको हुक लगाना है और दूसरी साइड पे आपको आई लगा देनी है। इसको इसी तरह से नॉर्मली फोल्ड करके लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1-1 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा लिया था। तो मैं यहाँ पे 2 आई लगा दूंगी और एक साइड पे 2 हुक लगा दूंगी, ठीक है। ये हो गई नॉर्मली, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी जो हमें बेल्ट है वो कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। देखो, बेक में यहाँ पे हुक और लगाने के बाद मैंने यहाँ इस पर मैं डबल डबल डोरी लगा रही हूँ। तो डोरी का जो डबल डोरी है उसका एक छोर यहाँ पर लगाएंगे और एक छोर है जो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हो गई है 1 साइड के डबल डोरी, ठीक है। इसको हम तिरछा लगा रहे हैं, ये भी आप देख रहे होंगे कि ये हो गया इसका तिरछा साइड। और इसी तरह से जो डोरी का दूसरा पार्ट्स है वो हम डबल डोरी का यहाँ पे लगाएंगे और इसका जो दूसरी साइड है उसको हम यहाँ पे नीचे इस तरह से सील देंगे। तो ये इस तरह से आपकी जो ब्रा है वो रेडी होगी। इस तरह से ये बैक से स्क्वायर में रहेगी इस तरह से। तो ये डबल जो डोरी हम स्टिच कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्रा बन करके रेडी है। और कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो नीचे कुछ ब्रा के वीडियोस दिए जा रहे हैं, देख सकते हैं।